नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अपने सोमवार को बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन क्या कर सकती है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ। फ्रेंड्स, यहां पे आप चेक करोगे कि SGX निफ्टी लास्ट फ्राइडे को -165 पॉइंट पे क्लोज हुआ है और डाउ जोंस -400 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि सोमवार को भी हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन होने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, यहां पे मैंने निफ्टी का वन डे का चार्ट लगाया हुआ है, तो वन डे के चार्ट में क्या सीनियर बन रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि वन डे के चार्ट में उनको रजिस्टर मिल रहा है यहाँ पे 39,600 के पास और डाउन साइड में सपोर्ट मिल रहा है वन डे के चार्ट में 39,200 के करीब। ओके फ्रेंड्स, अगर वन डे के चार्ट में यो निफ्टी आने वाले हफ्ते में 39,000 फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट है। आप यहाँ पर चेक करोगे कि वन डे के चार्ट में उसका रजिस्टर मिल रहा है 39,600 ऊपर की साइड में और डाउन की साइड में ये जो रेड कलर के लाइन लगाया हुआ है वो 38,460 से लेके 500 का उसको सपोर्ट मिल रहा है और बैंक निफ्टी यहीं पे लगातार वो एक हफ्ते से इसी जोन में घूम रहा है। फ्रेंड्स, अगर वन डे के चार्ट में अपसाइड के ऊपर इस लाइन के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया यानी 39,600 के ऊपर क्लोज करता है तो उसका टारगेट आ सकता है वन डे के चार्ट में 40,400 के करीब जाने की पूरी संभावना है वन डे के चार्ट के अंदर। और अगर फ्रेंड्स डाउन की साइड में उसने 38,450 से लेके 500 के बीच में इसके नीचे उसने क्लोजिंग दिया तो उसका टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 38,000 से लेके 37,500 के करीब। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, आने वाले दिनों में दीपावली भी है तो ये अपसाइड जाने की पूरी कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। ओके, तो आइए देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है मंगलवार को नहीं लेकिन सोमवार को। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है 39,032 पे, उसका क्लोजिंग आया है 39,300 पे उसका क्लोजिंग है और मैंने नो ट्रेडिंग जोन फ्रेंड्स यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ये वाला, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ये वाला। अगर सोमवार को फ्रेंड्स बैंक निफ्टी बाय चांस, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, फिर भी अगर हम एक सीनरी बना के रखते हैं कि इसी जोन में ओपन होता है यानी 39,200 से लेके 39,420 के बीच में और अगर डाउन की साइड में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये जो लाइन है ये रहेगा हमारा, इसका लेवल कौन सा रहेगा फ्रेंड्स 39,000 ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी को। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे 38,850 तक और अगर इसको भी ब्रेक किया तो डाउन की समय जा सकता है 38,450 के करीब। ओके फ्रेंड्स, और अगर अपसाइड ने फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 39,400 पे करता है तो उसका टारगेट आ सकता है 39,600 और अगर उसके ऊपर क्लोज करता है वन डे के चार्ट में या टुमोरो तो उसका सीधा टारगेट आने वाला है 40,400 के करीब। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर बाय चांस सोमवार को जैसे ग्लोबल मार्केट माइनस में वैसे हमारा मार्केट भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो गैप डाउन ओपन होगा, तो गैप डाउन ओपन कहाँ पे होगा वो हम पहले देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैं ये निकाल लेता हूँ। ओके, अगर बैंक निफ्टी सोमवार को इसी जोन में ओपन होता है गैप डाउन यानी 39,300 पे क्लोज हुआ है, अगर यहाँ पे ओपन होता है 300-400 पॉइंट फ्रेंड्स इस जोन में तो यहाँ पे कुछ टाइम पर उसको प्राइस एक्शन बनाने का वेट करेंगे। उसके बाद अगर डाउन की साइड में ब्रेक करता है तो पहला टारगेट मैंने बताया वही आएगा 38,800, दूसरा टारगेट आ सकता है इस जोन के बीच में 38,600 और अल्टीमेट टारगेट रहेगा 38,500-400 के। फ्रेंड्स, ये वाला टारगेट रहेगा। और अगर फ्रेंड्स गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर अपसाइड में निकलता है तो उसका पहला टारगेट आएगा 39,200, दूसरा टारगेट आ सकता है 39,400। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया इंट्राडे के लिए, सोमवार के लिए ये हमारा लेवल। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से ही बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, मैं एक अपडेट ये भी कर देता हूँ कि मैं हर रोज़ वीडियो नहीं बनाता हूँ, जब मुझे वीकली वीडियो मेरा आता है लेकिन
आप मेरा YouTube चैनल चेक करोगे तो वहाँ पे मैंने कुछ सेटअप करके एक फोल्डर बनाया है, उसमें मैंने बहुत सारे 3-4 मैंने सेटअप बना के रखा है, आप उसी सेटअप को देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये हो गया फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का। अभी हम देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स निफ्टी का क्लोजिंग आया है 17,185 पे, उसका क्लोजिंग आया है। अगर आप वन डे के चार्ट में चेक करोगे तो उसका लास्ट फ्राइडे का हाई मारा था 17,350 के करीब, उसका हाई था। अगर वन डे के चार्ट में आप चेक करोगे तो उसका लेवल आएगा अपसाइड में रेजिस्टेंस 17,425। अगर 17,425 के ऊपर वो क्लोज करता है निफ्टी तो उसका टारगेट आने की पॉसिबिलिटी आने वाले एक हफ्ते में 17,600 के ऊपर भी जा सकता है फ्रेंड्स, 17,750 के करीब आने वाले एक वीक के लिए मैं बता रहा हूँ ओके। और डाउन की साइड में फ्रेंड्स उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट आ रहा है डाउन की साइड में 17,950। अगर 17,950 के नीचे उसने क्लोज किया तो वो काफ़ी मंडी आने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें पहला टारगेट आएगा 17,790 और उसको भी फिसल के नीचे आया तो उसका टारगेट आ सकता है 16,400-500 के करीब और 16,300 के करीब। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में दीपावली है तो ये डाउन की साइड में नहीं जाएगा लेकिन अपसाइड में ही जाएगा। तो आइए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी क्या कर सकती है। जैसे कि हमने ग्लोबल मार्केट में चेक किया कि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है तो हमारा मार्केट भी नेगेटिव ऊपर होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैंने यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करके रखा है। अगर बाई चांस इसी जोन में ओपन होता है निफ्टी, इसका लेवल रहेगा 17,200 से लेकर 17,150 के करीब, और अगर उसके बाद ये डाउन साइड में 17,140 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा, ये जो गैप फिल करा है उसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है, जिसका लेवल रहेगा 17,000 और डाउन की साइड में 17,100 लेवल आएगा पहला, और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 16,950। और अगर फ्रेंड्स अप साइड में ये ब्रेक करता है इसी जोन में ऊपर होने के बाद 17,200 के ऊपर निकलता है, 220 के ऊपर निकलता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अप साइड में 17,270 और दूसरा टारगेट आ सकता है 17,300 से लेकर 350 तक। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोबल मार्केट माइनस में है तो हमारा भी पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी माइनस में ओपन हो सकता है। अभी माइनस में ओपन समझो कि यहाँ पे इस लेवल तक ओपन होता है यानी 17,000 से लेकर 17,050 के बीच में ओपन होता है और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है और उसके बाद अपसाइड में ये ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 17,000, ये उस गैप जो पड़ेगा उसको फिल करने के लिए आ सकता है, जिसका लेवल रहेगा 17,150 से लेकर 17,200 के करीब। और अगर फ्रेंड्स डाउन की साइड में ये ब्रेक होता है 17,050 तो उसका टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 16,950 के करीब, अल्टीमेट टारगेट हमारा ये रहेगा। फ्रेंड्स अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी हो या निफ्टी तो हमेशा हमें उसको प्राइस एक्शन बनाने के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है ओके फ्रेंड्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।